हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात 1947 से 2022 तक अच्छे नहीं हो सके, लेकिन इंडिया के बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ बांग्लादेश, टर्की और इस्लामिक कंट्री के साथ ताल्लुकात तो अच्छे हैं, इवन ट्रेड भी होती है और भी बहुत से मामलों में वो एक साथ नजर आते हैं। ब्लूमबर्ग ने ये खबर सबसे पहले छापी थी, अब ये सारी जगह, हर जगह है, हर वेबसाइट पे दिख रही है कि गवर्नमेंट इनको इंडिया से बाहर निकाल सकते। यार रिसेंटली अभी इंडिया ने जो चाइना के जो फोन्स हैं 12,000 से कम प्राइस वाले, 12,000 से ऊपर, 12,000 से नीचे जो प्राइस के फोन्स हैं उनको इंडिया में बैन कर दिया है। एक तो ये कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो डायलॉग, जो बैकडोर रबते थे, वो इंडिया इतना ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है कि उसने अपना जो सियारा है वो मरीख पर भेज दिया, मार्स पर जा चुका है इंडिया, ठीक है, जो कि अभी बहुत सारे मुल्क नहीं जा सके, इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गया। ये मेरे को याद है कि टमाटर के रेट 250-300 हो गए, अभी तो मुझे नहीं मालूम कितने हैं, लेकिन 250-300 रुपए किलो बिक रहा था, अब तो गंदम की भी आप देख लीजिए कितनी कमी होती चली जा रही है। एक टाइम पे आप एक्सपोर्ट करते थे सर, मैडम आप समझिए, आप एक्सपोर्टर्स थे आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों चीन इस समय चारों तरफ से फंस चुका है, चीन के पास आज जो पैसे हैं वो इतने ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं कि आज चीन के नागरिकों को बैंकों से हटाने के लिए टैंकों का जो सहायता है वो लेना पड़ रहा है, यानी कि जो चीन है वो भी अब कंगाली के तौर से गुजर रहा है। यहाँ पर एक और बड़ी न्यूज आई है कि जो इंडिया है उसने इस समय पर चीन को 12,000 करोड़ से ज़्यादा का झटका दिया है, यानी कि 12,000 से जो कम रुपए वाले फ़ोन्स हैं उसको इंडिया में बैन कर दिया गया है। और ये ब्लूमबर्ग जो न्यूज एजेंसी है उसके तरफ से ये कहा गया है। दोस्तों इसके बाद से कहीं ना कहीं चीन का तो दर्द उठेगा ही, क्योंकि चीन जो है वो ये बात जानता है कि भारत जिस प्रकार से चाइना के सामानों को धीरे धीरे बहिष्कार कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में जो चाइना की चीज़ें हैं उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा और ये चीन की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ चीन जो है वो चाहता है कि कैसे भी करके वो दुनिया की महाशक्ति बन जाए, लेकिन वो अभी बन नहीं पा रहा है, और उस समय में लगातार भारत का बहिष्कार करना चाइना के सामानों का ये दिखाता है कि भारत भी अब जो है वो स्ट्रांगली खड़ा हो चुका है। और भारत ये सब इसलिए भी बंद कर रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में इंडिया के कई फ़ोन जो है वो लॉन्च होने वाले हैं। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। इंडिया के बांग्लादेश, टर्की और भी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ट्रेडिंग है, हर लिहाज से ठीक है, सिर्फ एक पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं है? मेरे ख्याल में क्योंकि यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इंडिया के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे हों। क्यों नहीं चाहती पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट? ताकि इस्टेब्लिशमेंट की न्यूसेंस वैल्यू यहाँ पर बनी रहे। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे चलता रहा, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो डे बाई डे गिर रही है, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ही नहीं बल्कि ऑल ओवर जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ नॉर्मल ताल्लुकात रखे हुए हैं, सिर्फ एक चाइना हमारा दोस्त हम कहते हैं, उसके अलावा किसी के साथ, आपको लगता है मुश्किल हालात में सिर्फ चाइना हमारी मदद करेगा तो हमारा गुजारा हो जाएगा? इस गवर्नमेंट जो लास्ट गवर्नमेंट गई है उससे पहले चाइना के अलावा भी कुछ मुल्कों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने तो किसी के साथ भी नहीं छोड़े। किसकी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? इमरान खान की गवर्नमेंट, ना चाइना से, ना दुबई से, ना सऊदीया से, ना मलेशिया से, ही वाज एन अटर एंबैरेसमेंट फॉर द फॉरेन पॉलिसी। आपको लगता है इमरान खान का कहना था कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाना चाह रहे हैं, आपको लगता है ऐसा पॉसिबल था? इमरान खान ने इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने थे सिर्फ कश्मीर उनको दे के गवर्नमेंट में रहने के लिए, कश्मीर दे दिया गवर्नमेंट में नहीं रह सके। पता नहीं इमरान खान ने, जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान चीनी और गंदम एक्सपोर्ट कर रहा था, ये इनकी मिसमैनेजमेंट थी जिसकी वजह से वो इम्पोर्ट करने पे आए हैं। चाइना के साथ हो सकता है तो भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कर सकता? देखिए हम लोग अपने 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में आ गए एंड 75 इयर्स इन अ नेशंस हिस्ट्री इज नॉट मच, स्पेशली इफ यू सी इनटू सिविलाइजेशन, हमारी 10-12 हजार साल की हिस्ट्री है। देखिए चाइना और पाकिस्तान के अंदर जो रिलेशनशिप्स है ना वो बहुत डिफरेंट है। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो एक हमारी एक बहुत ही ट्रेडिशनल राइवलरी जो रही है वो पाकिस्तान के साथ रही है, और हमने चार जंगें देखी हैं, जंगों के अंदर बहुत उसके बाद मसले हुए हैं, और फिर भी एक लेवल तक एक रिलेशनशिप मेंटेन होता था, कहीं ना कहीं एक अमन की यात्रा और ये सब चीजें इनिशिएटिव्स होते थे, थोड़ा बहुत ट्रेड चलता था। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर धीरे 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 जो है एक
what we say extremism has come in, the government stability has gone away, and willy-nilly establishment has been calling shots in the foreign policy. One of the major areas that has been impacted, Arzuji, is the trade. तो अब अगर आप देखें तो ट्रेड जो है कंटिन्यूसली डाउन चलता गया और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी रूलर्स को ये लगा कि जो भी चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो या इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, क्वासी इलेक्टेड गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट जो रही है उनको कहीं ना कहीं एक टारगेट होता था, तो जिस टारगेट को लेके चलते थे, जिसके अंदर उनको अल्टीमेटली लगा कि ट्रेड एक बहुत ईजी टारगेट है। हर वेबसाइट पे देख रही है कि गवर्नमेंट इनको इंडिया से बाहर निकाल सकते, इनके ऊपर एक्शन हो सकता है। अब एक्शन क्या, पहली चीज तो ये कुछ हेरा फेरी कर रहे थे। क्या हेरा फेरी कर रहे थे ये लोग? इसमें कुछ कंपनीज जिनका मैं नाम आपको बता दूं, ये तीन कंपनीज है, ओप्पो, वीवो और Xiaomi। ये जो तीन कंपनीज है ये टैक्स चोरी कर रही थी। टैक्स चोरी कर रही थी मतलब अपने आप को लॉस में दिखा रही थी और लॉस में दिखा करके पैसा ये चाइना भेज रही थी। ये जवाब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने दिया है, वो भी रिटन रिप्लाई दिया है पार्लियामेंट में। अब ये टैक्स चोरी कर रहे थे ये गवर्नमेंट को पता था। गवर्नमेंट ने जो मांगा है, एक्सप्लेनेशन मांगा है ओप्पो से नोटिस देके, 4,400 करोड़ का नोटिस दिया। चाहे इस पर आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। साथ में करीब 2000 करोड़ का एक और कंपनी को क्या किसको दिया गया, वो ये दिया गया है वीवो को 2200। उसमें मैं हैरान था कि अभी जो फ्लड्स आए हैं उसमें कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ। अगर आप देखें, यू यूज टू ग्रो कॉटन, यू यूज टू ग्रो शुगर केन, और वो सारी चीजें जो है अब वो कितनी कम हो गई है। और जो भी चलिए कम है, हमारी तो कंट्री इतनी लंबी बॉर्डर है, इतनी क्रॉसिंग्स है, आपने ट्रेड बंद कर दिया, मेडिसिन की कमी हो गई पाकिस्तान में, अल्टीमेटली जनता ही भुगत रही है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन कितना पीछे हटे। अब शाहबाज शरीफ साहब जो चाहते तो होंगे, और वो आपके नए फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी चाहते हैं कि ट्रेड वगैरह खुल जाए, लेकिन आरजू जी ये प्रॉब्लम है कि वो इमरान खान को जैसे पता चलेगा कि ट्रेड खुलने वाला है, उसने तो फिर माइक के ऊपर आ जाना है और वो किसी कंटेनर पर खड़े होकर बोलने वाले कि देखो गद्दार आ गए, और इन्होंने पहले शादियों में बुलाया मोदी जी को और अब ये फिर से इन्होंने वही शुरू कर दिया। जबकि इट इज तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो ये न्यूज आई है कि जो चाइना के जितने भी कंपनी है जो कि 12,000 से कम नीचे वाले फ़ोन बनाते हैं उनको जो इंडिया है उसमें बैन किया गया है। इसके बाद से जो चीन है उसमें बहुत ज़्यादा खलबली है, क्योंकि चीन ये बात जानते हैं कि वो जो इंडिया की जो मार्केट है इससे धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो ये चीन की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा जो इफेक्ट है वो चीन की जो अर्थव्यवस्था है उस पर पड़ेगा, क्योंकि जितना सामान जो है वो चाइना यहाँ पे बेचता है उससे उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। और धीरे धीरे चीज़ों का ख़त्म होना ये भी दिखाता है कि आने वाले दिनों में जो चीन के सामान हैं वो कुछ लिमिटेशन में ही रहेंगी। यानी कि जिस प्रकार से पहले सामान हर चीज़ जो है वो चाइना से आती थी, अब वो उस पर धीरे धीरे रोक लगाया जा रहा है। और ये दिखाने की भी कोशिश किया जा रहा है कि जो चाइना एक तरफ हमसे दोस्ती करके अपने सामान को बेच रहा है और दूसरी तरफ वही हमारे बॉर्डर पे जिस प्रकार की तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसको हम सहन नहीं करेंगे। और भारतीय जो है वो आज ये दिखाने में भी साबित हो चुके हैं, काबिल हो चुके हैं कि हम जो है वो अपना सामान खुद भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इस वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लिखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।